बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो, एग्ज़ाम के बाद हम लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर है। हाँ, पहले ये बताओ, आप लोगों के पेपर कैसे थे? अच्छा किया ना आप लोगों ने? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम हुई होगी, है ना? मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन पहले ही कर दिया था हमको। आपको पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने MCQs के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, जब भी चैप्टर हुए थे तो मैंने एक्सप्लेन किया था ना बेटा? आई होप कि मेरे बच्चों ने अच्छा से सारे पेपर किया होगा, है ना? और बिना देखे लर्न करके किया था ना? चीटिंग नहीं की थी ना? चीटिंग मत करना, क्योंकि ये आप खुद का टेस्ट दे रहे हो, है ना? खुद को आप देख रहे हो कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना नहीं कर पा रहे हो। चीटिंग करोगे तो क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं। आप क्या पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, आपको कैसे पता चलेगा? ओके, चलो। तो आज हम लोग अपने एग्ज़ाम के बाद का ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो है Chapter 7, आप लोगों का बड़ों का अनुभव। ठीक है बेटा, क्या है ना कि आप याद रखना कि आप जो अपने एल्डर्स से, बड़ों से सीखते हो, जो उनके अनुभव होते हैं ना, वो बहुत काम योगी होते हैं। देखो, अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि ये मत करो, ऐसा होगा, वो मत करो, तो आप सोचो कि उन्होंने बहुत लंबी लाइफ जी है ना, उन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन हुए हैं, जिसके आधार पर वो आपको सही गलत बताते हैं, है ना? तो आप उनके जो एक्सपीरियंस है ना, उसका फ़ायदा उठाओ, उनका जो अनुभव है उसका फ़ायदा उठाओ, जो वो बताएं, जो वो समझाएं, ध्यान से सुना करो, समझा करो। ठीक है, ये मत सोचो कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा मत सोचना। वो जो समझाए ना, प्यार से सुनना, पेशेंस से, देखना आप लोगों को बहुत काम आएगा। इस कहानी में भी हम लोग एक ऐसी ही कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बच्चों ने अपने एल्डर्स का, बड़ों के अनुभव को लिया, और फिर उसके आधार पर अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक भावपूर्ण कहानी है। तो अगर मैं आपसे बोलूँगी कि बड़ों का अनुभव कैसी कहानी है, तो आप बोलोगे भावपूर्ण, है ना, जिसमें इमोशंस है। ओके, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। बड़े बुजुर्ग का सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। किसी व्यक्ति की आयु जब अर्धशतक के ऊपर जाने लगती है, तो कुछ लोग यह सोचकर उनको परित्याग करने का पाप कर बैठते हैं कि अब ये हम पर बोझ हैं। वो ये भूल जाते हैं कि बढ़ती आयु के साथ साथ उनके अनुसार उनके अनुभव की आयु भी बढ़ती जाती है। ठीक है, उनका व्यावहारिक तजुर्बा हमारे जीवन काल में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, आप देखो, इसमें कभी इसमें लेखक जो है, इसके लेखक मैंने आपको नहीं बताया ना, बड़ों का अनुभव लेखक कौन है कि लेखिका है, लेखक नहीं है, लेखिका है गायत्री मदन दत्त। ठीक है, आप देखो, गायत्री जी क्या बताती हैं, वो बोलती हैं कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करना क्या है, हमारा कर्तव्य होता है। जब व्यक्ति जो होता है अर्धशतक मीन्स फिफ्टी की क्रॉस करने लगता है, तो कुछ लोग ये सोचकर उनका त्याग कर देते हैं कि अब ये हम पर बोझ है। और जो अगर हम लोग ऐसे व्यक्ति का त्याग करते हैं, तो वो क्या है कि ये पाप है, है ना? क्योंकि आप ये याद रखो कि अगर कोई व्यक्ति की आयु अगर किसी व्यक्ति की आयु बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ क्या, और उनके अनुभव की आयु भी बढ़ रही है, उनके पास ज़िंदगी के ज़्यादा तजुर्बा है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जीवन में अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है हम लोगों को, है ना? तो उनका व्यावहारिक तजुर्बा हमारे जीवन में काल में क्या होता है, बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, अब देखो, हम लोग अब कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, चलो सुनो। इचिरो और चिरो नाम के दो भाई थे। दिन भर वे अपने खेतों में काम करते थे। शाम को जब वे अपने घर लौटते, तो उनकी मासूमी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती। अब देखो, ये किसकी कहानी है, इचिरो और चिरो नाम के दो भाई का। और वे क्या करते थे दोनों भाई, खेतों में दिन भर काम करते थे। शाम को जब वे घर लौटते थे, तो उनका कौन स्वागत करता था मुस्कुराते हुए, उनकी माँ का क्या नाम था, सुमी। देखो, अब इस पैराग्राफ में मैं कितने क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे। मैं पूछूँगी कि इचिरो और चिरो कौन थे, दो भाई थे, दो बहन थे, दो दोस्त थे, तो अब क्या बताओगे, इचिरो और चिरो नाम के दो भाई थे। मैं बोलूँगी कि इचिरो और चिरो क्या काम करते थे, तो आप बोलोगे कि खेतों में काम करते थे। मैं पूछूंगी कि शाम को जब वे घर लौटते थे,
तो उनका स्वागत कौन करता था? तो आप बोलोगे उनकी माँ करती थी। फिर मैं पूछूंगी कि उनके माँ का क्या नाम था, उनकी माँ का? तो आप बोलोगे सुमी नाम था उनकी माँ का। क्या नाम था? सुमी माँ। अच्छा एक बात बताओ, जब आप स्कूल से घर जाते हो या कहीं से भी कहीं घूमने भी जाते हो, थक कर जब वापस लौटते हो, सपोज आप अकेले कहीं गए हो, किसी फ्रेंड के यहाँ गए हो, स्कूल गए हो, तो आप क्या सोचते हो? घर क्यों भागे भागे जाते हो? कि आपकी मम्मी आपका वेट कर रही होगी, है ना, बेटा नाश्ता कर लो, बेटा नहा लो, बेटा ऐसा करो वैसा करो, आपको लगता ना कि वो आपका इंतज़ार कर रही होगी। इसी तरह चिरो है चिरो का भी स्वागत कौन करता था? उनकी सुमी माँ करती थी। ओके चलो नेक्स्ट। पर कुछ दिनों से इचिरो और चिरो उदास रहने लगे थे। वे अक्सर खिड़की में से दूर कोहरे से घिरे पहाड़ की ओर देखा करते थे। ये वो पहाड़ था जहाँ पर 70 वर्ष के होते ही सब बूढ़ों को उनके बच्चे लाकर छोड़ जाया करते थे। यह नियम उस राज्य के राजा रामा ने बनाया था। इसके पीछे उसका यह विचार था कि जब बूढ़ों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है तो वे परिवार और समाज पर बोझ बन जाते हैं। अब देखो क्या हुआ कि इचिरो और चिरो कुछ दिनों से बहुत उदास रहने लगे थे। आप सोचोगे कि क्यों उदास रहने लगे थे? वो क्या करते थे? अक्सर खिड़की में से दूर कोहरे से घिरे पहाड़ की ओर देखते रहते थे। आपको पता है ना पहाड़ी इलाके जो ठंड होते हैं, बहुत ठंड होते हैं, तो कोहरा और कुहासे भी ज़्यादा होते हैं। तो जब वो खिड़की से देखते थे तो उनको दूर कोहरे के पास से दूर घिरा हुआ एक पहाड़ी नज़र आता था। जानते हो ये क्या था? ये वो पहाड़ था जहाँ पर क्या था कि जैसे ही 70 वर्ष के वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग होते थे ना, तो उनके बच्चे उनको वहाँ लाकर छोड़ देते थे। और ये नियम किसने बनाया था? उस राज्य के राजा रामा ने बनाया था। अब उस ये नियम उन्होंने क्यों बनाया था? क्योंकि उनका यह विचार था कि जब बूढ़ों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है तो वो क्या होते हैं, अपने परिवार और समाज पर क्या होते हैं, बोझ होते हैं। ठीक है, राजा रामा के बनाए इस नियम ने यह बात भुला दी थी कि बूढ़े लोग अपने वर्षों का अनुभव और ज्ञान जो अपने बच्चों को दे सकते हैं वो ज्ञान कहीं और नहीं मिल सकता। अब देखो सही बात है ना बेटा, राजा रामा ने यह नियम तो बना दिया कि जैसे 70 वर्ष के हुए बूढ़े बुजुर्ग उनको पहाड़ों पर ला दे क्योंकि वो बोझ होते हैं। लेकिन वो यह बात भूल गए थे कि क्या होता है कि बूढ़े लोग के जो वर्षों का जो अनुभव होता है, जो ज्ञान होता है, जो वो अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो हमें कहीं और से नहीं मिल सकता है। आप बुक में बुकिश नॉलेज पढ़ोगे, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग आपको जो ज्ञान देंगे ना, वो अपने अनुभव से देंगे, अपने ऊपर बीती हुई बातों से देंगे, तो वो ज़्यादा कारगर और कामयोगी होती है। ओके ना, देखो अब अगर मैं इस पर कितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं पूछती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि इचिरो और चिरो क्यों उदास रहने लगे थे? तो आप बताओगे क्योंकि उस उनके पहाड़ी इलाके में यह नियम थी कि जैसे ही 70 वर्ष के कोई बूढ़े बुजुर्ग हो तो उनको उनके बच्चे क्या करेंगे, पहाड़ों पर ले जाकर छोड़ देंगे। मैं बोलूँगी यह नियम किसने बनाया था? तो आप बोलोगे राजा रामा ने बनाया था। मैं पूछूंगी कि इसके पीछे राजा रामा की क्या सोच थी? तो आप बोलोगे कि जब बूढ़े लोगों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है तो वे अपने परिवार और समाज पर क्या हो जाते हैं, बोझ हो जाते हैं। ये सोच था राजा रामा का। राजा रामा के बनाए इस नियम ने क्या किया था? इस बात को भुला दिया था कि बूढ़े लोगों को जो वर्षों का जो अनुभव ज्ञान मिलता है वो जो अपने बच्चों को देंगे वो हम लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा। और एक क्वेश्चन मैं ये पूछूंगी कि उन इचिरो और चिरो के पहाड़ी इलाके में कितने वर्ष के होने पर बूढ़े बुजुर्गों को बच्चे पहाड़ों पर छोड़ देते थे? तो आप बोलोगे 70 वर्ष के होने पर। ओके, इतने सारे क्वेश्चन इससे भरेंगे और ध्यान देना। कुछ बच्चों ने तो इस तरह आंसर किया है ना बेटा कि मेरा मन ही दुखी हो गया कि क्या मैं जब पढ़ा रही थी तो बच्चे ने कुछ नहीं सुना। एटलीस्ट आपको MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स तो गलत करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैंने रट्टा करवाया आप लोगों को, चाहे वो जूम पे क्लासेज हुए तो, चाहे वो मैंने वीडियो भेजे तो। अगर आप वीडियो ही ना सुनो तो मैम का तो मेहनत बेकार हो गया। मैम तो बेकार इतना मेहनत कर रही है ना, मैम मेहनत करती है तो क्या होता है, जब बच्चे अच्छा करते हैं ना तो बच्चों तो टीचर में क्या होता है, एक नई ताकत होती है कि और मज़े से पढ़ाऊँगी और अच्छे से पढ़ाऊँगी अपने बच्चों को। और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो पता क्या होगा, मेरा मन ही नहीं करेगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊँ और पढ़ाऊँ। ओके, फिर भी बहुत बच्चों ने अच्छा किया, थैंक यू। हाँ चलो आगे। एक शाम सुमी ने अपने बेटों से कहा, क्या हुआ कि एक शाम क्या हुआ कि सुमी ने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों आज पूर्णमासी है,
आज मैं 70 वर्ष की हो गई हूँ। इस राज्य के नियम के अनुसार कल तुम मुझे उस पहाड़ पर पहुँचा आओ जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता। अब देखो वो उदास थे क्योंकि क्या हुआ था, सुमी जो थी ना उनकी माँ, उसने अपने बच्चों को क्या बोला कि बेटा आज पूर्णमासी है, मैं कितने वर्ष की हो गई हूँ, 70 वर्ष की हो गई हूँ। अब इस राज्य का जो नियम है ना, अभी वो फॉलो करो, मुझे उस पहाड़ पे पहुँचा दो जहाँ से वापस फिर कोई लौट कर नहीं आता है। नेक्स्ट शब्द देखो, इचिरो। इचिरो बोलता है, माँ माँ हम ऐसे शब्द सुन भी नहीं सकते हैं। चिरो, तुम तो इतनी चुस्त दुरुस्त और बुद्धिमान हो, फिर हम तुम्हें वहाँ क्यों पहुँचाएं? सुमी, मेरे बच्चों ये तो राज्य का बनाया हुआ नियम है, इसमें मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। भला कानून से तुम लड़ोगे? मुझे पहाड़ पर छोड़ने के अलावे तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। क्या? अब देखो इचिरो ने, जब सुमी माँ ने यह बताया कि मैं 70 वर्ष की हो गई मुझे पहाड़ पर छोड़ दो, तो बेचारा इचिरो ने क्या बोला, बोला कि माँ हम ऐसे शब्द सुन ही नहीं सकते। आप ही सोचो, अगर आपकी माँ बूढ़ी बुजुर्ग हो जाए, आपको उन्हें दूर कहीं कौन छोड़ आना हो, तो आप जाना चाहोगे नहीं जाना चाहोगे? इसी तरह इचिरो और चिरो का भी नहीं मन कर रहा था कि वो अपनी माँ को पहाड़ी पर छोड़ने जाएं। चिरो ने क्या कहा कि माँ तुम तो इतने चुस्त दुरुस्त और बुद्धिमान हो, फिर हम तुम्हें पहाड़ी पे क्यों छोड़ आए? तो सुमी ने कहा, मेरे बच्चे इस राज्य का जो नियम है उसमें तो हम और तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग इस नियम से तो लड़ नहीं सकेंगे, तो तुम मुझे पहाड़ पर छोड़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। क्या? अब देखो, और अगली सुबह सुमी ने बड़े प्यार से अपने घर को घूम घूम कर देखा और मन ही मन बोली, सभी कपड़े दुरुस्त हो गए हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए आखिरी खाना भी बना दिया है, अब यहाँ से विदाई लेने का समय आ गया है। अब क्या हुआ कि सुमी माँ जाने लगी तो उसने क्या किया, सभी बच्चों के कपड़े दुरुस्त कर दिए, मतलब धोकर प्रेस करके, या फिर बटन वटन टूटे हों तो क्या हुआ उसके बटन लगा दिए, और फिर क्या किया कि उन लोगों के लिए आखिरी खाना, मतलब जब वो निकलने वाली हो तो उस समय का भी खाना बना कर क्या किया उसने कि रख दिया, और बोली कि अब यहाँ से विदाई लेने का समय आ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दोनों बेटे अपनी माँ को डोली में बैठा कर यात्रा के लिए रवाना हुए। यात्रा काफ़ी लंबी थी, चलते चलते वे पहाड़ की तलहटी में पहुँचे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, सुमी माँ रास्ते के किनारे पे उगे हुए सरकंडों को तोड़कर गिराती जा रही थी। वह खुद तो उस रास्ते पे वापस आने वाली नहीं थी, पर अपने बेटों के लौटने के लिए रास्ते पे क्या कर रही थी, निशानी बनाती जा रही थी। सुमी हमेशा की तरह अभी भी किसके बारे में सोच रही थी, अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी, है ना बेटा? देखो तो अभी क्या हुआ कि अभी दोनों बेटे क्या किए कि अपनी माँ को डोली में बैठाए और यात्रा के लिए निकल पड़े। किस यात्रा के लिए? अपनी माँ को पहाड़ी पर छोड़ जाने के लिए। अब क्या हुआ कि यात्रा बहुत लंबी थी, पहाड़ी उनके घर से क्या थी, बहुत दूर थी। तब चलते चलते क्या हुआ कि वे पहाड़ की तलहटी में पहुँचे, मतलब पहाड़ की गोद में पहुँच गए। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे ना, तो सुमी माँ क्या कर रही थी कि रास्ते से सरकंडों को तोड़ते हुए, आपको पता सरकंडा क्या होता है? सरकंडा क्या होता है कि एक गांठदार पौधा होता है, मतलब गिरे तो पता चलता है कहीं पर भी कि रास्ते में एक पौधा पर कुछ गिरा हुआ है। और क्या कर रही थी कि उसको तोड़ के गिराती जा रही थी। देखो बेटा, जबकि वो तो वापस लौट कर आने वाली नहीं थी। देखो एक माँ का मन कैसा होता है कि वो हमेशा किसके बारे में सोचती है, अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है। तो सरकंडे तोड़ कर इसलिए गिरा रही थी कि जब उसके बच्चे वापस आए लौटे तो कहीं वो रास्ता भूल ना जाए, तो इसी सरकंडों के सहारे क्या होगा, वे वापस अपने घर लौट जाएंगे। अब देखो सुमी माँ हमेशा की तरह किसके बारे में सोच रही थी, अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी, है ना? अब देखो आखिरकार सफ़र ख़त्म हुआ, वे कोहरे से घिरी पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए। अब माँ से हमेशा के लिए दूर होने का समय आ गया है। दुखी होते हुए माँ बोली, जुग जुग जियो मेरे लाडलो, ध्यान रखना जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस लौटना। अलविदा माँ, हमारी प्राण प्यारी माँ। इचिरो और चिरो क्या हुआ आँखों में आंसू लिए लौट पड़े। ठीक है, अब देखो
क्या हुआ कि अब क्या हुआ, सफ़र ख़त्म होगा। अब दो लोग पहाड़ी पे पहुंच गए थे। अब क्या हुआ, माँ से विदा लेने के लिए उन लोग का समय आ गया था। दुखी होते हुए क्या हुआ कि माँ बोली, जुग जुग जियो मेरे लाडलो, ध्यान रखना जिस रास्ते से आए हो ना उसी रास्ते से जाना, अलविदा माँ मेरी हमारी प्राण प्यारी माँ। ऐसा कहते हुए इचिरो चिरो की आँखों में आंसू आ गए और वे लौट गए। अब देखो, माँ के बिना घर कितना सूना लगेगा, इचिरो बोला, जिसने हमें जन्म दिया, दुख तकलीफ उठाकर बड़ा किया, उसी का परित्याग करना पड़ा, कितना भयंकर शर्मनाक है, दुखी होते हुए चिरो बोला, है ना। क्या हुआ कि उन लोग जब वापस घर लौट रहे थे तो आपस में बातें कर रहे थे अब कि माँ के बिना उनका घर क्या लगेगा, बहुत सूना लगेगा। जो सोच रहे थे कि जिन्होंने हमें जन्म दिया, इतनी मुश्किल से पालन पोषण करके बड़ा किया, उसको ही उन लोगों को क्या करना पड़ा, परित्याग करना पड़ा, तो कितने शर्म की बात है, कितना भयंकर है ये, दुखी होते हुए चिरो बोला। दोनों भाई क्या हुआ, दुख भरी बातें करते रहे। इसी तरह अब अंधेरा हो चला था और बर्फ़ भी गिरने लगी थी। उतावलेपन में दोनों भाइयों ने छोटे रास्ते से नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन अचानक क्या हुआ, बर्फ़ के फाहे घने होने लगे और जोरदार तूफान शुरू हो गया। अब दोनों क्या आपस में बातें करते रहे थे, तब तक क्या हुआ कि बर्फ़ गिरने लगी। हाँ, तब दोनों ने सोचा कि अब लंबे रास्ते से जाएंगे तो क्या होगा, नहीं पहुंच पाएंगे, बर्फ़ के तूफान में फंस जाएंगे। उन्होंने हर रात में क्या सोच लिया कि छोटे रास्ते से ही क्या करेंगे, उतर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, अचानक बर्फ़ के फाहे, मतलब जो बर्फ़ तेरे बेटा, वो क्या हुआ, मोटे मोटे होने लगे। अब देखो, हल्के बर्फ़ पड़े तो चले, लेकिन अब आप ही बताओ कि बर्फ़ के मजबूत बड़े बड़े बर्फ़ पड़ने लगे तो ओले पड़ने लगे तो कैसे सिर से टकराने लग जाते हैं। ऐसे ही क्या हुआ कि ज़ोरदार तूफान शुरू हो गया। अब क्या हुआ, चिरो व्याकुल होकर बोला, अब कैसे जाएं, हम कहाँ आ गए हैं, इचिरो हम रास्ता भटक गए हैं, आगे कोई भी रास्ता नहीं है। और निराश होकर वे पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़े। अब क्या हुआ, उन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था, कहाँ जाएं, क्या करें, ऐसा कुछ समझ में दोनों को नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, चिरो माँ तुम वापस, और फिर वो लोग क्या हुआ कि वापस पहाड़ की चोटी पे आ गए, क्योंकि उन लोगों को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। चिरो माँ तुम कहाँ हो, इचिरो हम रास्ता भटक गए हैं, कहाँ हो माँ। अब क्या हुआ कि चिरो वापस आकर अपनी माँ को पुकारने लगे कि माँ तुम कहाँ हो, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, कहाँ हो माँ। बर्फ़ से सुन अधमरी सी सुनी माँ झाड़ियों के पीछे पड़ी थी। अब क्या हुआ कि बर्फ़ का तूफान आया था ना बेटा, तो सुनी माँ क्या हुई थी कि थोड़ी अधमरी सी हो गई थी बर्फ़ पड़ने की वजह से। लेकिन देखो, अपने बेटों की आवाज़ कानों में पहुँचते ही उसमें क्या हो गया, चेतना आ गई। मेरे बच्चे मुसीबत में हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है, यह कहते हुए आगे बढ़ी तो सामने उसके दोनों बेटे खड़े थे। देखो, बर्फ़ से अचेत थी, सुन पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसके बच्चों की आवाज़ कानों में पड़ी ना, वो उठ पड़ी, बोली कि मेरे बच्चे मुसीबत में, मेरी ज़रूरत है, सोचकर उठ गई। अब क्या हुआ कि सामने दोनों बच्चे खड़े थे। अब इचिरो चिरो ने माँ को डोली में बिठाया और घर की ओर चल दिए। माँ बोलती है, माँ वो देखो टूटे हुए सरकंडे पड़े हैं ना, उसी रास्ते चलो मेरे बच्चे। अब देखो, सुमीना माँ ने क्या किया था, रास्ते से सरकंडे पौधे से सरकंडों को तोड़ तोड़ के गिराती जा रही थी ना, तो अब क्या बोली कि चलो जो सरकंडे गिरे हैं ना उसी पे रास्ते पर चलो। बड़ी आसानी से और आत्मविश्वास के साथ सुमी उन्हें पहाड़ से नीचे ले आई। इस तरह वे घर वापस आ गए, है ना, लौट आए। इचिरो हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे माँ, चिरो चाहे जो भी हो, कुछ भी क्यों ना सहन करना पड़े। दोनों भाइयों ने कहा कि माँ हम तुम्हें नहीं जाने देंगे ना, राजा को जो करना है करो, लेकिन हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। अब देखो, दोनों भाइयों ने अपनी माँ को झोपड़ी के पिछले हिस्से में छिपा दिया ताकि गांव वाले और सिपाहियों को उसका पता ना चल सके। और तीनों क्या हुआ, बड़े आनंद से रहने लगे। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी माँ को, अब देखो उस राज्य का नियम था तो उन्हें पालन तो करना ही पड़ता। अब मान लो राजा देख लेता या सिपाही देख लेते तो क्या होता, उनको सजा मिलती। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी माँ को झोपड़ी के पिछले हिस्से में छिपा दिया ताकि गांव वाले और सिपाहियों को उसका पता ना चले। और तीनों बड़े आनंद से रहने लगे। अब देखो, अब आगे क्या होता है, देखो। एक दिन उस राज्य के राजा रामा ने सभी परिवार के पुरुषों को बुलाया और कहा, मैं कुछ काम बताऊं, सबको करने होंगे, जो लोग असफल रहेंगे उन पर भारी जुर्माना लगेगा।
अब क्या हुआ कि राजा रामा ने वो एक दिन क्या हुआ कि परिवार के सभी पुरुषों लड़कों को बुलाया और कहा कि मैं कुछ काम बताऊंगा और सबको करना पड़ेगा और जो ये काम नहीं कर पाएगा उसको क्या करेगा, भारी जुर्माना लगेगा। पहला काम यह है कि एक शंख लाओ जिसके आर पार धागा पिरोया हो। ठीक है, क्या करना था पहला काम, एक शंख लाना था और क्या करना था कि उसके आसपास धागा पिरोया हुआ हो। इचिरो और चिरो ने इस अनोखे काम के बारे में अपनी माँ को बताया। सुमी माँ बोली, यह तो बड़ा आसान है, एक चींटी को पकड़ो, उसके पैर में धागा बांधो, उसे संघ के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो, फिर संघ के मुंह पर कुछ चीनी के दाने रखो, चीनी के दाने से आकर्षित होकर चींटी संख में से अपना रास्ता बनाकर निकलेगी तो धागा भी संघ के मुंह तक पहुंच जाएगा। और हाँ, अंत में चींटी के पैर से धागा निकालना ना भूलना। अब देखो सुमी माँ ने अपने कितने तरकीब का यहाँ उपयोग किया। देखो क्या किया कि एक काम करो, एक चींटी लाओ, हाँ उसके बाद क्या करो, उसके पैर में धागा बांधो और संख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो, फिर क्या करो, क्या करने बोला उन्होंने कि संख के मुंह पर कुछ चीनी रख दो। अब चीनी के दाने क्या करेंगे, चींटी को आकर्षित करेंगे और वो क्या करेगी कि संख में से अपना रास्ता बनाकर निकलेगी तो धागा भी क्या होगा, जैसे जैसे वो घूमेगी धागा भी संख के चारों ओर घूमता जाएगा ना, धागा भी संख के मुँह तक पहुँच जाएगा। और हाँ, अंत में चींटी के पैर से धागा निकालना मत भूलना, है ना, नहीं तो पता चल जाएगा ना। दोनों भाइयों ने माँ के बताए नियम के अनुसार काम किया और अगले दिन राजा के दरबार में पहुँचे। अब देखो ठीक है, उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने काम बताया और सुमी माँ ने जैसे जैसे बताया उन्होंने वैसा ही किया। ठीक है, और अगले दिन राजा के दरबार में पहुँच गए। राजा ने पूछा किस किस ने काम पूरा किया है। सिर्फ चिरो और इचिरो ने ही काम पूरा किया था राजा। बहुत को इचिरो चिरो, हाँ ना, बाकी लोगों को याद है ना कि जो लोग यह काम नहीं कर पाएंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भरना होगा। क्या हुआ कि सब गांव वालों को क्या करना पड़ा, जुर्माना भरना पड़ा क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाए थे। ओके, अब देखो नेक्स्ट। अब राजा ने, ये तो एक काम हुआ, अब राजा ने दूसरा काम बताया, एक ऐसा ढोल लाओ जो बिना बजाए बजता हो। क्या बोला कि एक बताओ ऐसा ढोल लाओ, कि ढोल क्या होता है, जब आप बजाते हो तब बजता है, लेकिन राजा ने बोला कि ऐसा ढोल लाओ जो कि बिना बजाए बजता हो। सभी आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा ढोल भला कैसे बन सकता है। राजा का बताया काम भी चिरो और रिचिरो ने घर आकर सुमी माँ को बताया। अब देखो राजा के यह काम फिर क्या हुआ कि चिरो और रिचिरो ने क्या किया, अपनी सुमी माँ को बताया। कुछ देर सोचने के बाद सुमी माँ बोली, एक डिब्बा लाओ, उसका ढक्कन व दूसरी तरफ का पेंदा हटा लो जिससे वो दोनों तरफ से खुल जाएगा। अब चमड़े के गोले के टुकड़े काटकर इसके दोनों ओर मार दो। ठीक है, अब दूसरी ओर बंद करने से पहले कुछ मधुमक्खियाँ अंदर छोड़ दो। देखो कितना दिमाग लगाया सुमीना ने। क्या क्या सुमीना ने पता है, एक डब्बा ले लिया और उसका क्या होगा, उस दोनों तरफ का डब्बा का जो ढक्कन होता है ना वो बोला कि हटा लो, और फिर क्या करो कि चमड़े के गोल टुकड़े काट कर क्या करो कि लगा दो, और क्या करो कि एक ही दोनों ओर मर दो, और क्या कहा कि दूसरी ओर मरने के पहले क्या करना कि उसके अंदर कुछ मधुमक्खियाँ छोड़ देना, उसके बाद मारना। समझ में आया बच्चों, क्या क्या उन्होंने, सिंपल सा एक डब्बा लिया, उसके ऊपर नीचे छोड़ के जो था ना उसको काट कर निकाल दिया, और उसके जगह क्या किया कि उन्होंने चमड़े का एक उसी आकार का काट कर लगा दिया, और उसके अंदर क्या क्या उन्होंने मधुमक्खी डाल दी, है ना। दोनों भाइयों ने ऐसे ही किया और पहुँच गए राजा के दरबार में। तो दोनों भाई ने ऐसा कर क्या किया कि राजा के दरबार में पहुंच गया। जब राजा ने उत्सुकता से उस अनोखे ढोलों के हाथ में उठाया तो अंदर वाली मधुमक्खियाँ घबरा कर उड़ी और चमड़े से टकराने लगी, जिससे ढोल अपने आप डब 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 बजने लगा ना? और चमत्कार राजा ने चिरो और इचिरो को शाबाशी दी। ओके, अब देखो क्या हुआ, राजा के भी मन उत्सुकता थी कि आखिर ऐसा ढोलक कैसे बना। जब चिरो इचिरो उनके पास ढोल लेके पहुँचे तो जैसे ही अनोखे ढोल के हाथ में उठाए ना, अंदर वाली मधुमक्खियाँ घबरा कर उड़ी और चमड़े से टकराते हुए क्या हुआ, बाहर उड़ने लगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि ढोल अपने आप ढप 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 बजने लग गया। नसोट, अब देखो चमत्कार राजा ने चिरो और चिरो और राजा ने चिरो और इचिरो
कि चिरो को बोला कि बस आबास, बहुत खुश हो गए। राजा क्या हुआ कि चिरो चिरो के हिसाब के ही काम को देखकर इस तरह राजा ने कई काम दिए, और हर बार सिर्फ चिरो और इचिरो अपनी माँ की मदद से क्या करते थे कि पूरी काम करने में क्या होते थे, सफल हो जाते थे। ठीक है, राजा जितने भी टास्क देते थे चिरो और इचिरो किसकी मदद से कर लेते थे, अपनी सुमी माँ की मदद से क्या करते थे, कुछ टास्क को पूरा कर लेते थे और गांव के कोई लोग नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब देखो देखो अब क्या हुआ कि मेरे बताए हुए सारे काम पूरे करने की खुशी में मैं चिरो और इचिरो को स्वर्ण पदक प्रदान करना चाहता हूँ, राजा खुश होते हुए बोले। अब क्या हुआ कि चिरो इचिरो ने सारा गेम जीत लिया था, इसलिए क्या हुआ कि राजा ने बोला कि खुश होकर बोला कि मैं दोनों को खुश होकर क्या देना चाहता हूँ, स्वर्ण पदक देना चाहता हूँ। तब इचिरो ने कहा, महाराज रुकिए, हम एक अपराध स्वीकार करना चाहते हैं। चिरो, इस सम्मान के हकदार हम नहीं बल्कि हमारी माँ सुमी है, जिन्हें हमने झोपड़ी के पीछे छिपा कर रखा है। हालांकि वे 70 वर्ष की हो चुकी हैं, पर हमने उन्हें पहाड़ पर जाने नहीं दिया, हमने राज्य का नियम तोड़ा है। अब देखो, जब राजा ने कहा चिरो इचिरो को बुला के कहा कि मैं आपके काम से खुश हूँ, मैं स्वर्ण पदक देना चाहता हूँ, तो चिरो इचिरो बेचारे सच बोले बिना नहीं रह पाए। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया, बोला कि हम सम्मान के हकदार नहीं बल्कि हमारी सुमी माँ, क्योंकि जो दोनों चिरो इचिरो बेटा जीत रहे थे किसके सहायता से, अपने सुमी माँ की ना, वही ना उन्हें सलाह दे रही थी। उन्होंने कहा कि हमने अपने झोपड़ी में छिपा कर रखा है अपनी माँ को, हालांकि वो क्या है, वो 70 वर्ष की हो गई हैं, फिर भी हमने उन्हें पहाड़ पे नहीं जाने दिया, हमने इस राज्य का नियम तोड़ा है, ऐसा चिरो इचिरो कह दिया राजा के सामने। नेक्स्ट, राजा, क्या तुमने नियम तोड़ा है, तब तो तुम्हें वही दिया जाएगा जिसके तुम लायक हो, तुम्हें क्षमादान दिया जाता है। हाँ, ठीक है, क्या हुआ कि राजा ने बोला तुमने नियम तोड़ा है, अब तो तुम्हें वही दिया जाएगा जिसके लायक हो। पहले राजा ने उन लोगों को डरा दिया, लेकिन फिर क्या बोले कि तुम्हें क्षमादान दिया जाता है, और राजा ऐसा कहकर फंसने लगे। इचिरो और चिरो, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है, मैं अपने बनाए उस निर्दयी नियम को रद्द करता हूँ। राजा ने क्या बोला कि आज तुमने हमने बहुत मुझे बहुत बड़ी सीख दी है, तो आज मैं वो जो नियम बनाया ना, उस नियम को रद्द करता हूँ, यानी तोड़ता हूँ। इचिरो, महाराज कृपा करके गांव वालों को दिए हुए जुर्माने को वापस लौटा दिए लीजिए, क्योंकि ये बेचारे तो गरीब से और गरीब हो जाएंगे। राजा, मैं ना सिर्फ इनके रुपये लौटाऊँगा बल्कि एक कोष स्थापित करूँगा जिसकी सहायता से हमें बूढ़े माता पिता की अच्छी तरह से परवरिश कर सकें। ठीक है, फिर राजा ने क्या बोल इचिरो ने राजा से कहा, उन्होंने जो जो काम टास्क पूरा नहीं करता था, राजा ने जुर्माना भरने के लिए कहा था ना, इसलिए इचिरो ने कहा कि महाराज कृपा करके गांव वाले को जो जुर्माना भराना पड़ता है ना, आप उसे वापस लौटा दें, क्योंकि ये बेचारे तो गरीब हैं, ये क्या होगा और गरीब हो जाएंगे। राजा ने कहा, मैं ना सिर्फ इनके रुपये लौटाऊँगा बल्कि एक कोष स्थापित करूँगा जिसकी सहायता से ये अपने बूढ़े माता पिता की अच्छी तरह परवरिश कर सकेंगे। देखो, चिरो और इचिरो ने क्या किया था कि राजा का की भी आंखें खोल दी थी, है ना। राजा ने इचिरो का आदेश दिया कि कल अपनी सुमी माँ को लेकर दरबार में हाजिर हो। दोनों भाई सुमी माँ के साथ दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा, सुमी, तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी के लिए जो ममता तुमने अपने बच्चों को दी है, उसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। अब से तुम और तुम्हारे लड़के मेरे शाही सलाहकार होगे। आपने सुना होगा ना कि राजा के दरबार में एक सलाहकार होते हैं, मंत्री होते हैं ना, तो इसको राजा ने सुमी माँ उनके बच्चों को क्या नियुक्त कर दिया, शाही मतलब राजा का सलाहकार नियुक्त कर दिया। और उस दिन से मौत का पहाड़ क्या हुआ सुना पा रहा है, क्योंकि अब किसी अभागे बेटे को अपनी प्यारी माता पिता को वहाँ छोड़ने का नहीं जाना पड़ता। ठीक है बेटा, आई कहानी सबको समझ में, अच्छी लगी, सीख क्या मिली कि हम लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे समाज या परिवार पर बोझ नहीं है, बल्कि उनके अनुभव जो हैं हमें आगे का रास्ता दिखाने वाले हैं। इसलिए आपकी ग्रैंड माँ होंगी, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनका रिस्पेक्ट करो, उनकी बातें ध्यान से सुनो, आपको ना बहुत कामयोगी बातें मिलेगी, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगी, है ना, बच्चों की उनकी बातों को ध्यान से सुना करो, है ना। चलो, अभी मैं आपको अब हार्ड मीनिंग एक बार बता देती हूँ। ठीक है,
योग्यता का अर्थ होता है काबिलियत, मतलब योग्य हो, मतलब आपने ये काबिलियत है। चुस्त दुरुस्त का अर्थ होता है जिसको कोई रोग ना हो, स्वस्थ निरोग हो। उतावलापन मतलब होता है जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, ज़्यादा उतावलापन मत दिखाओ, मतलब जल्दबाजी ना दिखाओ। या धीरता मतलब बिना धीरज के। सलाहकार मतलब किसी को कहते हैं सलाहकार, जो राय देता है ना उसको सलाहकार बोलते हैं। सरकंडा जो सुमिमा गिराती जा रही थी वो क्या था, एक गांठदार पौधा था। जुर्माना का अर्थ होता है जुर्माना देना होगा, मतलब दंड स्वरूप दिया जाने वाले धन को क्या कहते हैं, जुर्माना है। धन मतलब पैसे। ताकत का अर्थ होता है शक्ति। अनुभव का अर्थ होता है तजुर्बा। चेतना का अर्थ होता है होश आना, चेतना मतलब होश आना। व्याकुल मतलब बेचैन। आश्चर्यचकित मतलब अचरज में पड़ा हुआ या फिर हैरान। नियम का अर्थ होता है कानून या फिर कोई आधारित कानून या फिर कोई व्यवस्था है उसको नियम कहते हैं। जैसे आपके घर पे कुछ नियम होंगे है ना, जैसे स्कूल आते हो तो उसके नियम है कितने बजे आपको जाना है, यूनिफॉर्म में जाना है, ये सब क्या है, नियम है। कोई आदमी कहीं भी रहे एक नियम में उसको जीना पड़ता है ना। जैसे आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ के सभी नियम कानून को पालन करना पड़ता होगा। प्रत्याग का अर्थ होता है पूर्णता छोड़ देना है ना, मतलब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना, उसको ही परित्याग करते हैं। ओके, उसके बाद है परवरिश मतलब पालन पोषण देना। आपके माता पिता आपकी परवरिश करते हैं, मतलब आपको पालन पोषण देते हैं। ओके, अपराध का अर्थ होता है दोष या फिर सजा। चलो बेटा, आप मैंने ये कहानी तो पूरी कर दी। आप ये कहानी ना ध्यान से सुनना, अच्छी कहानी है, वीडियो सुनना, फिर मैं इसके PDF भी भेज दूँगी। इस पहले मैं इसे रिलेटेड जो आपके ग्रामर होंगे ना उसका वीडियो भेजूँगी, इसके बाद इसके PDF सेंड करूँगी। ओके बेटा, चलो अब मैं जाऊँ, आप एक वाला चैप्टर अच्छा से सुन लेना वीडियो। हाँ बेटा, चलो एक मिनट, हाँ इसके मैं फ्रंट पे जाके जा रही हूँ। ओके चलो बेटा।